तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के तहत होम्योपैथी प्रोफेसर के लिए 27 पदों की वैकेंसी आ चुकी है। इस फॉर्म को भरने के लिए क्या प्रोसेस है, क्या एज लिमिट है, क्या क्वालिफिकेशन है, आपको अप्लाई का लिंक कहाँ से मिलेगा, तो मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मेरा वीडियो आपको सही लगे, यानी लगे मैं आपको सही जानकारी दे पाया, तो आप वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कर चाहे सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे यह होगा कि किसी तरह का अपडेट या किसी तरह का वैकेंसी आएगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, उसकी जानकारी ले पाएंगे। तो चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के तहत होम्योपैथी प्रोफेसर के लिए 27 पदों की वैकेंसी आई है, इसे आप घर बैठे किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और आपको अप्लाई का लिंक कहाँ से मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको गूगल या तो फिर क्रोम पे किसी एक पर जाना होगा। आने के बाद सर्च बॉक्स में सर्च करना है यू पी पी एस सी लिखे सर्च कर लेंगे। यू पी पी एस सी का फुल फॉर्म हो जाता है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। आपको यहाँ पे फर्स्ट मेंशन कर रहे हैं होम यू पी पी एस सी प्रयागराज, इस पर क्लिक करके आपको ओपन हो जाना है। जैसे इस पर क्लिक करके ओपन हो जाएंगे, आप यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। इसके तहत किसी तरह का वैकेंसी आता है सारा यहाँ पे शो होता है। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के तहत होम्योपैथी प्रोफेसर के लिए 27 पदों की वैकेंसी आ चुकी है। उसके लिए सबसे पहले आपको जैसे मेंशन कर रिक्वायरमेंट का ऑप्शन जैसे टच करेंगे, यहाँ पे ऑनलाइन नोटिफिकेशन का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ऑनलाइन नोटिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फर्स्ट मेंशन कर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन दिखाते हैं कि वाकई में 27 पदों की वैकेंसी प्रोफेसर के तौर पर है या नहीं है। उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पे हिंदी पीडीएफ ओपन कर सकते हैं, चाहे तो इंग्लिश भी पीडीएफ ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे चाहे हिंदी पे ओपन हम करके आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे मेंशन करा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के तहत जो पीडीएफ जारी कर दिया है, जो पीडीएफ यहाँ पे ओपन हो चुका है। वैसे डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई का लिंक, आपको दोनों का लिंक यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको बता दें प्रोफेसर के लिए, थोड़ा जूम करके आपको दिखाते हैं, पद प्रोफेसर के तौर पर हाँ होम्योपैथी विभाग के तरफ से आया है, जिसमें कुल पोस्टों की बात किया जाए मेंशन कर रहा है 27 कुल पोस्टों की वैकेंसी है। अब थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, आपको यहाँ मेंशन कर रहा है फ़ी, इस फॉर्म को भरने के लिए फ़ी क्या लगने वाला है। तो फ़ी की बात किया जाए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वालों को जो है 65 रुपये लगने वाला है, और दिव्यांग वालों को 25 रुपया, भूतपूर्व सैनिक जो है उसे भी 25 रुपया प्लस योग्य 65 रुपया लगने वाला है। इस फॉर्म को भरने के लिए एज की बात किया जाए तो एज यहाँ पर 21 साल से लेकर आपके 40 साल होना चाहिए, तो ये फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके कैटेगरी में जो छूट मिलता है वो छूट भी यहाँ पे मिलने वाला है। और क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है तो ज़रूर है कि मास्टर डिग्री ही अप्लाई के लिए अप्लाई होगा, यानी कि मास्टर डिग्री जिनके पास है वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये सब जानने के बाद आप फॉर्म को किस तरह अप्लाई करना है उसके लिए आपको बैक आ जाना होगा। बैक आने के बाद थोड़ा सा और होम पेज पर आ जाना होगा, यहाँ पर होम पेज आने थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसलिए बैक फिर से आपको ओपन कर लेना होगा। यहाँ पर यू पी पी एस सी लिख के फिर से ओपन कर लेंगे। फिस्ट वहाँ पे होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे जैसे मेंशन करा वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन पे जो रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं तो वो डायरेक्ट किसी तरह का वैकेंसी होगा, डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन का ओपन करके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं है यू पी पी एस सी के बोर्ड पर तो आपको पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन होना पड़ेगा। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होने के लिए मेंशन करा वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओ टी आर, तो इस पर क्लिक करके आपको ओपन होना। जैसे ओपन हो जाएंगे यहाँ पे मेंशन कर रहा है रजिस्ट्रेशन करना है या लॉगिन करना है, सबमिट रिक्वेस्ट है या फॉरगेट पासवर्ड, अगर फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, आप कभी भी अगर इस पर रजिस्टर नहीं है तो इसके लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर मेंशन कर रहा है आपका ईमेल आईडी मोबाइल नंबर, आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों को वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के बाद फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। जैसे डालेंगे यहाँ पर मेंशन कर एप्लीकेशन का नाम आधार नंबर डालना पड़ेगा, फिर मैं थोड़ा सा नीचे करेंगे देखने में मेंशन कर फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम जेंडर डेट ऑफ बर्थ आपका स्टेट कौन सा है और होम डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका कैटेगरी क्या है एप्लीकेशन का फादर्स का डिटेल्स हमें भरना है मदर्स डिटेल्स और यहाँ पे हाई स्कूल का क्वालिफिकेशन आपका क्या है कौन सा ईयर फर्स्ट पास हुए थे रोल नंबर डालना है बोर्ड का क्या नाम था और जो कैप्चर कोड है कैप्चर कोड देने के बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप जो है यू पी पी एस सी बोर्ड के तहत अब रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करें आप मोबाइल आईडी से या ईमेल आईडी से या ओटीआर नंबर से आपको तीनों माध्यम से किसी तरह आप यहाँ पर लॉगिन हो सकते हैं। जैसे ऐसे मोबाइल नंबर से आप टच करेंगे तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, मोबाइल नंबर देने के बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी देने के बाद यहाँ पर कैप्चर कोड आएगा, कैप्चर कोड आने के बाद यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। इससे क्या होगा आप लॉगिन हो जाएंगे, उसके बाद जो भी फॉर्म आया हुआ रहे तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपको फर्स्ट टाइम जो है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन पे आपको लॉगिन होना पड़ेगा तो ही फॉर्म आप अप्लाई कर पाएंगे। तो मेरे पास किसी स्टूडेंट का फॉर्म नहीं रहता जो मैं फॉर्म आगे का प्रोसेस करके बताऊँ, आप खुद से फॉर्म भरिए। अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं,
आपकी जो भी हेल्प होगी मैं हेल्प मेरा पूरा करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको लग रहा है मैंने आपको सही जानकारी दिया है तो वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को लाइक कर जाएँ, सब्सक्राइब कर लेंगे, इससे यह होगा कि आने वाले समय में किसी तरह का अपडेट या किसी तरह वैकेंसी आता है सबसे पहले आपको पता चलेगा, उससे जानकारी ले पाएंगे। तो मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, किसी और वैकेंसी के साथ। धन्यवाद।